अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक खैरियत होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ काशी स्प्रिटी गर्ल 3-in-1 ब्लशर पैलेट का रिव्यू करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं ये काशी सी ब्लशर पैलेट है। इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं कि किस तरह से ज़बरदस्त है। ये देखें, वाइट कलर की हुई हुई है। ये देखें कितनी खूबसूरत हुई है, आप पीछे से भी देख सकते हैं। ये देखें, ये सारे इनके कॉन्टैक्ट वगैरह हैं, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं ईजीली। ये देखिए, या आप उनके सैलून पे जाके वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त है इनकी पैकेजिंग और इनके रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। एक्सपेंसिव बहुत है, जैसे कि काशिश का जितना भी कॉस्मेटिक है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। इनकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये है कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी ज़्यादा है। यानी अगर हम नॉर्मल कॉस्मेटिक की बात करें तो उससे ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नॉर्मल हमें अगर ब्लश एंड पैलेट इजीली नॉर्मल प्राइस में मिल जाती है, लेकिन अगर हम काशिश की बाय करते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी वेस्ट इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि अगर हम ब्लश ऑन पैलेट या फिर आई शेडो पैलेट अगर बाय करते हैं तो वो हमारी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ब्लश ऑन पैलेट है या फिर आई शेडो पैलेट है, उसमें एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं है, वो आप लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। अगर हम फाउंडेशन वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ एक्सपायरी डेट है, वो आपकी 12 मंथ में एक्सपायर हो जाती है, लेकिन ये एक्सपायर नहीं होती। इसमें ये एक अच्छी बात है और चीज़ें उनकी बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाती हैं। फाउंडेशन हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाती हैं, ये नहीं होती। और इनके एक्सपेंसिव तो बहुत ज़्यादा है, जितना भी कॉस्मेटिक है आप कोई भी चीज़ उनकी अगर बाय करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कुछ लोग अफोर्ड करते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं करते, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर नॉर्मल हम कॉस्मेटिक बाय करते हैं तो उनकी इतनी प्राइस नहीं होती, जितना हम काशिश का कोई भी कॉस्मेटिक बाय करते हैं तो बहुत ज़्यादा उनकी प्राइस होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, ये है कि आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं जाएगी। कुछ चीज़ें हैं उनकी कि ये है कि अगर आप वो बाय करेंगे तो वो ज़ाहिर है आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया जाएगी, वो 12 मंथ में ही एक्सपायर हो जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप इन्हें बाय करेंगे और लॉन्ग टाइम तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, वो एक्सपायर नहीं होती है। मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से, देखिए किस तरह से ज़बरदस्त है। ये देखें, ये मैं आपको अंदर से भी खोल के दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से है, ये इनका एक हाइलाइटर दिया हुआ है। ये देखिए गोल्डन कलर का मैं यूज़ करके दिखा देती हूँ। ये देखिए किस तरह से ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। ये देखें, और इनके 4 शेड दिए हुए हैं जो हैं ब्लश ऑन के। ये देखें, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त है। जैसे ही आप लगाते हैं ना, आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बिल्कुल ऊपर से फील ही नहीं होते, लुक ही चेंज हो जाता है ना आप इसे यूज़ करने के बाद। ये देखें इस तरह से, ये देखें, ये देख इस तरह से। इस पैलेट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपकी 3-in-1 है, इसमें आपको इजीली 3 से 4 चीज़ें मिल जाती है। इसमें आपको 4 शेड जो दिए हुए हैं वो ब्लश ऑन के दिए हुए हैं, एक हाइलाइटर का है और एक फेस कंटूर का है। लेकिन आपको इजी रहेगा इसमें कि आप ये 1 पैलेट बाय करेंगे तो आपको 3-in-1 चीज़ें ईजीली इसमें मिल जाएंगी। लेकिन अगर हम काशिश की एक और पैलेट है अगर वो हम बाय करते हैं तो उसमें खाली ब्रश ऑन के ही 6 कलर दिए हुए हैं। इसमें ये है कि 4 दिए हुए हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें इजी हैं हमारे लिए, तो आप इसे बाय इजीली कर सकते हैं और आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने इसे बाय किया, यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। काफ़ी टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी यूज़ भी हुई हुई है, काफ़ी ख़त्म भी हो चुकी है। अब मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले बाय किया था, अभी तक यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। हल्का सा आपने लगाना होता है और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपने हल्का सा है और इसकी इतनी अच्छी पिगमेंटेशन है, लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं इसके। मैंने काशिश की काफ़ी चीज़ें बाय की और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अभी भी मुझे कुछ चीज़ें उसकी बाय करनी है, इंशाल्लाह मैं वो भी बाय करूँगी, वो आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी कि कैसा रिजल्ट है उसका। और जो चीज़ें मैंने बाय की है, यूज़ की, उनका मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इनके, आप लोग भी इसे बाय करें, यूज़ करके देखें आप सबको कैसा रिजल्ट मिलता है। मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है इन चीज़ों का। बस ये है कि एक्सपेंसिव बहुत है और बस, और चीज़ें रिजल्ट बहुत अच्छा है, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, ये इनका एक चीज़ का बहुत ज़्यादा मसला है। तो चलें, आज की वीडियो इस पर थी। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।